आपको कैनवा के बारे में तो ज़रूर पता होगा, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसकी शुरुआत 2007 में फ्यूजन बुक के नाम से शुरू हुई थी। कैनवा की शुरुआत मेलिना पॉकिंस ने अपने बॉयफ्रेंड क्लिफ के साथ की थी। मेलिना ने अपने कॉलेज डेज में एडोब फोटोशॉप और इनडिजाइन जैसे सॉफ्टवेयर सीखे और लोगों को सिखाना शुरू किया, लेकिन ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स था, आम लोग उसे सीख नहीं पाते थे। तो मेलिना ने फ्यूजन बुक की शुरुआत की, जो बुक्स के टेम्पलेट्स बनाती थी जिससे लोग अपनी बुक्स पब्लिश कर सकें। उसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना था लेकिन फंडिंग्स नहीं मिल रही थी। फिर उनको अपने थर्ड को फाउंडर कैमेरॉन एडम्स मिले, जो कि करंट के CTO है, और फिर शुरुआत हुई कैनवा की। अगले 7 साल में कैनवा ने 1.5 करोड़ यूजर ग्रैप किए, जिसमें से 3 लाख पेइंग कस्टमर है। सो देयर रेवेन्यू विल बी वेरी गुड। इनका बिजनेस मॉडल क्रिएटिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी का मिक्सचर है। ये लोग फ्रीमियम टू प्रीमियम के मॉडल पे काम करते हैं, यानी पहले लोगों को फ्रीमियम प्रोडक्ट प्रोवाइड करो और लोगों को इसकी आदत हो जाए तो इसके पैसे चार्ज करने लगो। कैनवा का USP ये है कि ये अपने कस्टमर्स को इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस देता है। ये लोग चेन लिंक मार्केटिंग का यूज़ करते हैं, यानी आप कोई भी डिज़ाइन के रिलेटेड सर्च करोगे तो आपको कैनवा ही दिखेगा। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सिंपल फॉर सिंपल, बिकॉज टू मच इन्फॉर्मेशन किल्स योर प्रोडक्ट। इनकी टैगलाइन है कैनवा योर सीक्रेट वेपन फॉर स्टनिंग डिज़ाइन, जो कंज्यूमर के कन्फ्यूजन को दूर करती है। कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस हमेशा बिजनेस फील्ड में जीत जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी ऑफ कैनवा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, डाउनलोड फाइनेंस ग्रुप नाउ।